हेलो स्टूडेंट, अवरोहणकाल में ही अगला टॉपिक है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक क्या है? तो अवशोषण गुणांक में इसकी भी परिभाषा देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी छोटी छोटी डिफिनीशन जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवशोषण गुणांक क्या है? सतह के किसी क्षेत्रफल द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा, यानी सतह के किसी क्षेत्रफल द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा तथा समान क्षेत्रफल के ओपन विंडो मतलब विंडो खुला हुआ, पूर्ण अवशोषक जिसे बोलते हैं, द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा के अनुपात को उस सतह के पदार्थ का अवशोषण गुणांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, सतह के किसी भी क्षेत्रफल द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा तथा समान क्षेत्रफल के ओपन विंडो यानी पूर्ण अवशोषक जिसे बोलते हैं, द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा के अनुपात को उस सतह के पदार्थ का अवशोषक गुणांक कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए बच्चों, ओपन विंडो का अवशोषक गुणांक जो होता है वो 1 होता है। तो ओपन विंडो का जो अवशोषक गुणांक होता है, कभी एक नंबर में पूछ लेता है, वो 1 होता है। अगला टॉपिक है बच्चों, अवरोहणकाल को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कारक क्या है, अवरोहणकाल को प्रभावित करने के कारक क्या क्या हैं। तो कारक में आप जैसे पहला नंबर है तलों के परावर्तन शक्ति, दूसरा नंबर है अवशोषण गुणांक, तीसरा नंबर है ध्वनि की तीव्रता, चौथा नंबर है उत्पन्न स्वर की आवृत्ति, पांचवा नंबर है कमरे का आयतन। यानी ये सारी जितने दिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सब कारक हैं इनके। अगला है अवरोहणकाल को नियंत्रित करने की विधियां, यानी इसको कैसे नियंत्रित करेंगे। तो नियंत्रित करने की जो विधियां हैं, पहला है ओपन विंडो होने की वजह से ध्वनि परावर्तित ना होकर स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। यानी ओपन विंडो मीन्स यदि कमरे की विंडो खुली हुई है, ओपन है, तो उसमें ध्वनि परावर्तित ना होकर स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। दूसरा, फर्श पर कालीन या कमरों के दरवाजे पर पर्दे लगाकर श्रोताओं की संख्या बढ़ाकर, यानी आप क्या कह सकते हैं, फर्श है में कालीन को बिछा दीजिए या कमरे के दरवाजों पे पर्दा लगा दीजिए। तीसरा नंबर है श्रोताओं की संख्या बढ़ा के, रूम में श्रोताओं की संख्या मतलब सुनने वालों की संख्या, श्रोताओं की संख्या को बढ़ाकर भी अवरोहणकाल नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा नंबर है दीवारों की वक्रता को समाप्त कर तथा उन्हें चित्रों से सुसज्जित करके, यानी दीवारों की वक्रता को समाप्त कर दिया जाए, वहाँ पे कैलेंडर है, चित्र को टांग दिया जाए। पांचवा, परावर्तक तल पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग करके, परावर्तक तल पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ मीन्स क्या होता है, जो अवशोषित कर ले, यानी लकड़ी है तो लकड़ी आवाज़ को अवशोषित कर लेगी, तो अवशोषित पदार्थ का प्रयोग करके अवरोहणकाल को नियंत्रित किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट।